हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी की। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली 2 या 3 एक्सपायरी जो है ना वो ख़राब जा रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस तरीके से ख़राब क्यों जा रही है। अब ये समझिए, प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे जो नए लोग हैं ना, नए लोग जो हैं वो प्रॉपरली लॉस ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एंड में जाके कोई ने मूव दे रहा है। आप पिछले 2-3 एक्सपायरी देख लो, अगर वेडनेसडे को अच्छा मूवमेंट हुआ है तो एक्सपायरी के दिन लास्ट में कहीं मोमेंटम होगा। आज आप देखोगे तो आप बोलोगे सर आज भी तो बहुत सारा मोमेंटम है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ मोमेंटम नहीं है, बट अगर आप छोटे छोटे पॉइंट जैसे 50-60 पॉइंट लेने के लिए बैठे हो तो ठीक है, बट अगर थोड़े से बड़े पॉइंट के लिए बैठे हो तो आपका जो है ना वो प्रीमियम ख़त्म हो रहा है। जैसे 100-150 पॉइंट के लिए बैठे हो आप, जैसे ध्यान से देखो लूज बनी, ओवरऑल मार्केट यहाँ तक आया है। लेकिन यहाँ तक आने में ना, जब ये यहाँ तक आया और ये जो रिवर्सल कैंडल हुई है ना, ये क्या करेगी, प्रीमियम को डीके कर दे रही है, फिर से ये मोमेंटम आया। तो ये एक मोमेंटम था और ये दूसरा मोमेंटम था आज के मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो सुबह वाला है ना, ये सुबह वाला जोन, ये जोन में ही जो लोग इसमें ट्रैप हुए हैं वो सब के सब फंस गए हैं। प्रॉब्लम ये है, जब भी देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई। ठीक है, ये मार्केट एक थोड़ा सा नीचे ओपन होके फिर से क्या क्या फ्लैट, लगभग मान लीजिए भाई देखो ये ओपनिंग जो है ना वो फ्लैट ओपनिंग है। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट उसके हाई को नहीं क्रॉस कर रहा, जो क्लोजिंग वाला बेस बनाया था उसके बाद मार्केट ने उसके लो को क्रॉस करके डायरेक्टली वो नीचे की साइड में आया। जिन्होंने इस मोमेंटम में ट्रेड लिया उसको तो प्रीमियम सुबह जो मॉर्निंग ट्रेड होता है उसमें फास्ट मिलता है, आपको पता है। लेकिन अगर उन्होंने रुका यहाँ पे, अगर वो रुके हैं तो ये देख रहे हैं ये कैंडल पूरा प्रीमियम जितने में यहाँ पे आपकी बाइंग है ना वो यहाँ पे इतना में ख़त्म कर देगा। फिर उनको ये मोमेंटम मिलेगा ना, तो ये जो वीक देख रहे हैं ये क्या करेगी ना, प्रीमियम को पूरी तरीके से खा जा रही है। और इसमें तो वही हाल हो गया, यहाँ पे भी देख रहे हैं मार्केट क्या हो रहा है, डायरेक्टली किधर भी साइड में नहीं गया पूरा। इवनिंग टाइम में एक मोमेंटम दिया है उसने ये वाला, और इस मोमेंटम के बाद मार्केट फिर से देखिए यहाँ पे फंसा के ही चल रहा है पूरा। मार्केट कब निकला, जब यहाँ से निकला ना तब जाकर एक मोमेंटम उसने शार्प दिया जो कि ऊपर की साइड में सबकी सब ग्रीन कैंडल। तो ये ही एक मोमेंटम था जो अच्छे से फास्ट और अच्छा प्रीमियम दे सकता था। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जितना आप कमा रहे हो उतना यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। या तो लोग क्या करेंगे, कम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि भाई देखो एक बार जिसको प्रॉफिट दिखेगा फिर प्रॉफिट आधा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, निकलेगा। अब वहाँ पे देखिए ये चीज़ें कब होती है, नए लोगों के साथ ये ज़्यादा होती है, जो नए लोग हैं। पुराने हैं तो उनको तो देखो पहले से पता है यार कि कौन सी जगह पे किस तरीके का ट्रेड करना है, क्या पॉइंट है, और उनके पास क्या प्रॉफिट के पैसे हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं ना तो मोमेंटम बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे ख़रीदा गया है ना, या फिर यहाँ पे ख़रीदा है जिसने, सेल किया, अब उसको आने के बाद ये जो होगा ना इसमें नए वाले सारे के सारे निकल जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में, या तो 100-200 रुपये प्रॉफिट में निकलेंगे ना, तो उसके बाद ये मोमेंटम जो है ना उनको रिग्रेट करेगा तो इस बीच में कहीं ना कहीं उनको घुसाएगा, जिस भी या तो ये डोजी पे डाल देगा, या तो फिर यहाँ पे ये डोजी पे डाल दे या हैमर पे डाल देगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, फंसेंगे तो फिर से उनका लॉस होगा तो फिर से क्या होगा, फिर इस चैनल में फंसेंगे। देखिए जब तक मार्केट चैनल टू चैनल चलता है ना तो प्रॉब्लम है, ये देखिए डायरेक्ट गिरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये मोमेंटम थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये कैंडल रुकने की क्षमता उन्हीं को मिल सकती है जिन्होंने पहले प्रॉफिट बनाया होगा, या फिर वो अच्छे से समझते हैं मार्केट को वही। तो इसके लिए दोस्तों ये मोमेंटम थोड़े से रिस्की थे, मोमेंटम अच्छा आया था यहाँ पे जबकि ये एक लो मारा, मार्केट पर जाके इसी को सपोर्ट करके जब इसको निकाला, और उसके बाद ये हाई था इसको निकाला, तब मार्केट ने मोमेंटम देखो। अब इसमें भी क्या है, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया ना वो यहाँ पे खरीदेंगे, मार्केट ऊपर तो बहुत तेज़ी से गया, अब उनको लगेगा कि हाई को क्रॉस करेगा, लेकिन वहाँ के बाद फिर से नीचे आ गया, और फिर से नीचे आने के बाद फिर निकल गया। तो वो पॉइंट है जब प्रॉफिट बनाए रहोगे तो ही प्रॉफिट कमा पाओगे, ये पहला पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए एक्सपायरी ऐसी ही जा रही है, तो हमारा कल का किस तरीके का ट्रेड हो सकता है वो देखिए। अब देखिए हमारा कल का ट्रेड जो होगा ना वो ट्रेड देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स बनते हैं। जैसे अगर एक ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है ना ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से अगर देखेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये आके इसी को टच कर रही है। मार्केट क्या कर चुका है इसको, एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार टेस्ट कर चुका है यहाँ पे। तो मान लीजिए शार्प सेलिंग ही है, डायरेक्ट गिरा हुआ, अब मार्केट यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर चुका है। तो अब हम इसी पे ट्रेड करेंगे, किस तरीके का ट्रेड करेंगे ये समझिए। अगर मार्केट कहीं इसके अंदर फ्लैट ओपनिंग होता है और ऊपर की साइड में ब्रेक करता है,
फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के बाद जितना देखिए 5-10 मिनट बिता के करेगा तो हमको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो ये हाई या फिर ये हाई पे ही मार्केट सेल ऑफ में आएगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है या यहाँ पे जो ख़रीदे हैं अगर मान लो पोजिशनल जो बाइंग किए हैं तो उसके लिए मार्केट जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 5-10 मिनट रुकने के बाद ऊपर जाएगा तो नहीं, तो अगर डायरेक्टली जाएगा ना तो यहाँ से क्या करेगा सेल ऑफ करेगा, क्योंकि ये लोगों का एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये लोगों के लिए मार्केट आ सकता है। तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे जाता है तो यहाँ कहीं सेलिंग कुछ मिलता है तो आप सेलिंग करिएगा, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, मार्केट मान लीजिए कि नीचे की साइड में आता है, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन से, इस ट्रेंड लाइन को जो है अगर ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है ठीक है, और सपोर्ट करने के बाद कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है इसके आसपास में और थोड़ा सा रुकने के बाद बाइंग सिग्नल दिखाता है ना, तो हम एक बेस्ट मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पे रुकने के बाद फिर नीचे आएगा तो हमारा ये टारगेट और इसके बाद के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कल के लिए जो है आप देखिए मस्त अभी आ रहा है फ्राइडे को, अगर एक्सपायरी ख़राब हुई है तो फ्राइडे को मोमेंटम मिल रहे हैं, मोमेंटम अच्छे मिल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वेट करेंगे कि इसमें खुलता है इसके ऊपर खुलेगा तो हम क्या करेंगे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ये सपोर्ट पे अगर कुछ सेलिंग मिलता है तो वो करेंगे, डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस के ऊपर है, डायरेक्टली रिटेस्ट के लिए आएगा और आपका जो है लॉस बुकिंग हो जाएगी। हाँ, ये ऊपर जाकर रिटेस्ट करके फिर से जाने की ट्राई करेगा तो हम वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, जो मैं ट्रेंड लाइन पे आपको बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे और रुकता है फिर ब्रेक करता है तो हम फर्स्ट ये लेंगे और उसके बाद वेट करेंगे नीचे के साइड में 350 के लिए। सो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।